झाबुआ जिले की लोक अदालत में घरेलू हिंसा के भी प्रकरण आए। ग्राम बलवान निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के तहत थाने में मामला दर्ज करवाया था। दोनों का प्रकरण जिला न्यायाधीश के शर्मा की अदालत में आया। शर्मा ने बताया कि दंपत्ति के बीच आपसी मनमुटाव हो गया था, इसके चलते ये मामला उनकी अदालत में आया। दोनों को समझाइश देकर सुखी जीवन व्यतीत करने की सलाह दी गई। दंपत्ति ने न्यायाधीश शर्मा की बात मानते हुए खुशी खुशी अपने घर रवाना हो गए। दोनों को पौधे भी वितरित किए। लोक अदालत में ग्राम राणापुर के एक दंपत्ति का केस भी आया। राणापुर निवासी संतोष चौधरी का विवाह 4 साल पूर्व रेखा के साथ हुआ था। पिछले 1 वर्ष से दोनों अलग अलग रह रहे थे। लोक अदालत में उनके वकील ललित शाह और सौरभ सक्सेना ने दोनों को हंसी खुशी शादीशुदा जीवन व्यापन करने की सलाह दी, जिस पर दोनों राजी हो गए। संतोष ने बताया कि वे कोर्ट के निर्णय से खुश है और अपनी शादीशुदा जिंदगी में कोई मनमुटाव नहीं आने देंगे। झाबुआ से प्रेम सतयोगी की रिपोर्ट। में रहते हैं, 4 साल हो गए हमारे शादी को। 1 साल से हम अलग रह रहे थे और अभी हम साथ में रह रहे हैं और अब अच्छे से रहेंगे। कोर्ट के फैसले से हम खुश हैं। क्या नाम है आपका? संतोष चौधरी। रेखा चौधरी। अभी आज हमारे समक्ष फैमिली कोर्ट का एक मामला पति पत्नी के विवाद का आया, जो बलवन गांव के निवासी हैं उनके द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण का दावा उनके अधिवक्ता श्री ललित शाह एवं श्री सौरभ सक्सेना के द्वारा उन्हें समझाइश दिए जाने पर तथा हमारे समक्ष हमारे न्यायालय में ये खंडपीठ में मामला आया। हमारे द्वारा भी उनको समझाइश दी गई। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अपने पुराने मनमुटाव को भुलाकर साथ जाने के लिए सहमत और तत्पर हुए हैं और उनके आपसी सहमति के आधार पर मामले का निराकरण किया गया है और वे पुनः हंसी खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। हम लोगों ने उनको एक एक पौधा दे करके और उनके सुखद और सफल भविष्य की कामना की है। लगभग 2000 मामले हम लोगों ने इसमें राजीनामा योग्य रखे हैं। अभी शाम तक पता लगेगा कितने मामलों का निराकरण होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।